जो नकेल कस रहे हैं ब्लॉगर्स पर और जो इंस्टाग्राम हैंडलर अकाउंट्स हैं, जिस तरह से वो एनकरेज करते हैं बाइक चलाने के लिए लोगों को, जिस तरह से वो स्टंट करते हैं, तो आज उन पर एक बड़ी नकेल जो है कसी है। हालांकि इसकी कार्रवाई जो है वो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन बात करते हैं आज इन तीन बाइक्स को जो है वो सीज किया गया है और जो इनके ऑनर थे उनको भी जो है इन्होंने पकड़ा है। और साथ ही साथ बात करते हैं अभी जो इनकी एज है वो जुवेनाइल से जिस तरह से 18+ है, लेकिन उन्हें कैमरा पर नहीं दिखा सकते, उनकी तरफ से जो एक अवेयरनेस मैसेज आएगा। और ये तीन बाइक्स हैं वो मैं आपको दिखा दूँ, इनके नंबर भी दिखा दूँ। और जो है तो ये तीन बाइक्स हैं, जिस तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं, ये R15 है और यहाँ पर जो है बाकी की सारी ये ड्यूक बाइक है, KTM। तो जिस तरह से कन्फेशन की बात करते हैं, उन्होंने भी जो है इसको माना है, लेकिन बाइक चलाते हुए अपनी जान तो खतरे में डालते ही हैं। ऐसे में जो इनके आसपास से गुजरते हैं उनकी जान भी जो है ये खतरे में जो है वो डालते हैं। तो वहीं इन बाइक्स को जो है आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है इन बाइक्स को यहाँ पर जो है वो लाया गया है, और एक मैसेज भी जो है यहाँ से रहने वाला है। और जहाँ पर इनके यूट्यूब हैंडल्स के नाम बता दें यहाँ पर, तो इस बाइक पर जो है इनके यूट्यूब का नाम भी जो है वो लिखा गया है यहाँ पर। रईस मलिक हैं ये, तो ये इनके यू नीरज पेडियार हमारे साथ है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने तीन बाइकों को जो आप ये पहले बाइक्स देख रहे हैं, इन्होंने जो है इसको सीज किया है। हम नहीं चाहते कि उनका चेहरा दिखाया जाए, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो चेहरा दिखा, लेकिन एक उनकी तरफ से क्या कन्फेशन है कि हमने जो है वो गलत किया, कन्फेस किया उन्होंने? देखिए, जब हम इनको पकड़ा, इनको हमने काउंसिल किया कि ये जो आप काम कर रहे हो ये गलत चीज़ है, ऐसा काम नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं माना, उन बच्चों ने कहा कि ठीक है हम ये गलत करते थे, हम ऐसी कार्रवाई आगे जो है वो नहीं करेंगे। एडिशनल SP राजपाल सिंह आज हमारे साथ हैं, और यहाँ पर ट्रैफिक विभाग जिस तरह से आप देख रहे हैं जम्मू में जो है लगातार जो व्लॉगर्स हैं उनको जो है यहाँ पर उन पर जो है कड़ी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि वो एनकरेज कर रहे हैं हमारे यूथ को किस तरह से स्टंट करने के लिए। बहुत से लोग जो है वो उन्हें फॉलो भी करते हैं और चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह जो है वो बाइक पर स्टंट कर सके। लेकिन आज ट्रैफिक विभाग ने जो है उनकी बाइकों को सीज भी किया है और साथ ही साथ बात करते हैं उन्हें पकड़ा भी है, तो बाकी की जानकारी नहीं से लेते। सर जिस तरह से आपने तीन बाइकें यहाँ पर पकड़ी हैं, सबसे पहले आप बताइए कि बाइकर्स जो हैं वो खुद ही वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल्स पर कि हमें पकड़ा गया था लेकिन अब जो है हम छूट चुके हैं? देखिए, जो कल तीन लोगों को पकड़ा है, इनको हम बहुत देर से फॉलो कर रहे थे, और पकड़ना भी बहुत अच्छे तरीके से था। ये ना हो कि ये खुद को लगाएं या किसी दूसरे को इंजर्ड करें। तो पकड़ने के बाद इनकी बाइक को सीज़ किया गया है और उनको कोर्ट का चलान दिया गया है। और उसके अलावा इनको हमने समझाया भी है कि बोलो जो आप स्टंट बाइकिंग करते हो वो आपके लिए सवाल इसी से जुड़ता रहेगा, क्या अभी ने आपने पकड़ा है, कोर्ट का चलान भी हो गया, जो इनके व्लॉगिंग चैनल्स हैं या जो इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी? हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी लिखा है इसके इनके लिए कि इनके जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं या आपके फेसबुक अकाउंट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनको देख के ये चीज़ ये करते हैं या और लोग फॉलो करते हैं या जिससे इनको इनकरेज मिलती है या बाकी लोग इनसे इनकरेज होते हैं, तो हमने कहा इनको ब्लॉक करने के लिए। क्या इनकी कोई काउंसलिंग की गई जब आपके पास लाए? जैसे अब अभी तो उनकी गाड़ियाँ रिलीज़ नहीं हुई हैं, जब हमारे पास गाड़ी रिलीज़ करने के लिए आएंगे डेफिनेटली हमको काउंसल भी करेंगे, समझाएंगे भी। इन्होंने एडमिट किया है कि गलत है? यस, एडमिट किया है गलत। इन चैनल्स को फॉलो करते हैं तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को जो है वो फॉलो करें, इस तरह की नेगेटिविटी को फैलाने की कोई जरूरत नहीं है।